दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए क्यूरी टेम्परेचर। तो जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूरी। तो ये क्लास 12th का एक टॉपिक है। तो देखिए, क्यूरी टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, देख लेता हूँ। ये आपको दिख रहा है नहीं? तो देखिए, जो क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन है वो है वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर जो हमारा लोहा चुंबकीय है पदार्थ है लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। क्यूरी ताप क्यूरी ताप कहलाता है। यह हो गई डेफिनेशन क्यूरी टेम्परेचर की, कि व्हाट इज़ द क्यूरी टेम्परेचर। तो वह न्यूनतम मिनिमम टेम्परेचर जिस पर जो हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, वो कहलाता है हमारा क्यूरी टेम्परेचर। अब जो हमारे कुछ मेटल हैं उनके लिए क्यूरी टेम्परेचर डिफाइन किया गया है। जैसे निकल है हमारा, निकल यानी के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर है वो होता है 358 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आयरन है, आयरन के लिए है 770 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद बात करें कोबाल्ट की, सीओ के लिए क्यूरी टेम्परेचर 1120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्यूरी टेम्परेचर है। इसके बाद वह ये न्यूनतम टेम्परेचर है जिस पर कोई जो हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था क्यूरी टेम्परेचर। तो इस वीडियो में आपको क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में समझ में आएगा। वीडियो तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। धन्यवाद आपका।